हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आज़ाद इंटरप्राइजेस। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ रोज़ गार्डन रिजॉर्ट। ये देखिए, ये इसका यहाँ से वहाँ तक की ये पूरा जो है रोज़ गार्डन रिजॉर्ट है। मेरे पीछे इसका एक हॉल है, 3 बेडरूम है, और आगे जो सामने जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एरिया है। इधर साइड से स्विमिंग पूल है, लेकिन पहले हम चलते हैं इनके ब्लॉक ए ब्लॉक बी, जो पीछे जो 2 रूम 2 बेडरूम है आसपास, उनकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, इनका पहला ब्लॉक है और वो है दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। इन दोनों के बीच में पार्टीशन है, अगर पार्टीशन हटा दें तो दोनों एक हो जाते हैं। ये पार्टीशंस हैं, देखिए। टीवी है, टाटा स्काई लगा हुआ है। ये ब्लॉक ए का बेडरूम है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, एक छोटी सी अलमारी है। ये बेड है, आईना अगर आप देख सकते हो। राजा हटो वहाँ से, आईने में आ गए तुम। ये इस रूम की गैलरी है। ये गैलरी का व्यू है, एसी का आउटडोर यूनिट। आइए, यहाँ इसका वॉशरूम हम देखते हैं, वेस्टर्न वॉशरूम है, साथ में बाथ भी है। और बाथ को और वॉशरूम को सेपरेट किया हुए ये ग्लास है। एक एक्सटेंशन विंडो है और एक एक्सटेंशन फैन भी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, ये रेस्टिंग एरिया है जिसके सामने एक टीवी लगा हुआ है। और ये है जूस बार या सर्विंग एरिया या पेंट्री, आप इसे कह लीजिए। यहाँ पर बैठकर जो भी कुछ फूड है उसे एंजॉय करने के लिए यहाँ पर 4 चेयर्स हैं, चाहिए तो और भी हैं। ये आ गए हैं हम ब्लॉक बी में, और ये भी वैसे ही सेम है ऑलमोस्ट। देखिए, ये यूँ लगता है जैसे फ्री हैंड कोई डिज़ाइन हो, जैसा वहाँ है वैसे ही यहाँ पर भी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये ब्लॉक ए का झूमर है, वो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इनका भी यहाँ पर वैसे ही पेंट्री है। ये जो कि छोटा सा फ्रिज है, और ऐसा ही फ्रिज हमने ब्लॉक ए में भी देखा है, वही पेंट्री, सर्विंग एरिया। यहाँ पर भी 4 चेयर्स हैं, चाहिए तो और भी मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर भी बेडरूम जो है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना है कि दोनों का व्यू जो होगा गैलरी का वो अलग अलग होगा। वो ब्लॉक सी है दोस्तों, वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे। ये देखिए स्विमिंग पूल, इसका भी क्लोजअप व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि इसका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी मैं दूंगा। बिल्कुल वैसा ही वॉशरूम जो हमने ब्लॉक ए में देखा, वहाँ पर भी गीज़र लगा हुआ था, यहाँ पर भी है, सेम वेस्टर्न टॉयलेट है।
अगर इन पार्टीशंस को हटा दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा हॉल बन जाता है किसी बड़ी फैमिली के लिए। जहाँ से हम एंटर हुए थे वो ब्लॉक ए था, और जहाँ से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो जॉइंट थे वहाँ से अब हम एग्ज़िट कर चुके हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं ब्लॉक सी की तरफ। इसके बाद मैं आपको इनका किचन और स्विमिंग पूल और कॉरपोरेट हॉल जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ब्लॉक बी की गैलरी है। हमने गैलरी में जाकर भी इसका व्यू लिया है। ब्लॉक सी है गाइस। ये ब्लॉक सी है दोस्तों। ये भी एक बेडरूम है, सिर्फ एक बेडरूम है, और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के कंपैरिजन में ये बेडरूम थोड़ा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जो हॉल था उसे कंबाइन कर दिया जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये यूँ समझ लीजिए कि सेपरेट किसी कपल के लिए, या फिर अगर वहाँ पर जगह किसी को काफ़ी नहीं होती है तो यहाँ पर उसे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर भी टीवी लगा हुआ है, एसी है, फानूस है, झूमर जिसे मैं कह रहा हूँ वो देखिए। और ये है आपका अटैच्ड वेस्टर्न बाथरूम या वॉशरूम। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में। अगर रोज़ गार्डन रिसोर्ट की हम बात करें तो ये ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग के लिए बुक होता है, और बुक करने वाले इसे 8-8 दिन और 15-15 दिन के लिए बुक करते हैं जिन्हें शूटिंग करनी होती है। छोटा सा एक लॉन है, यहाँ पर घास है, और हम बढ़ रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। हर जगह आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में रोमन एम्पायर दिखाई देगा। जैसे रोमन कंस्ट्रक्शन में जो कॉलम्स होते थे, देखिए ये वैसे ही कॉलम्स हैं। और पीछे जो ब्लैक कलर में ये पहले दो कॉलम्स के बीच में जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये भी रोमन एम्पायर की या इजिप्ट के फिरौंस की निशानी है, मुझे पता नहीं। फेरोस ऑफ इजिप्ट। ये छोटा स्विमिंग पूल है और ये बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ पर दो चेंजिंग रूम्स हैं, और यहाँ से बढ़कर अगर हम आगे चलते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के पीछे जो आपको रोज़ दिख रहा है वहाँ पर इनका किचन है और कॉरपोरेट हॉल है एक। हाँ, अब चलते चलते इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि मैं मोबाइल नंबर पोर्टिंग भी करता हूँ, और मैं गोल्डन नंबर्स भी मेरे पास हैं, 111, 222, 000, 007, 786 ऐसे नंबर्स। और पोर्टिंग भी मैं करता हूँ किसी भी नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क में, आइडिया से वोडा, आइडिया से जियो में, जियो से एयरटेल में, एयरटेल से आइडिया में, सभी मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए इस हॉल की बुकिंग के लिए, या फिर गोल्डन नंबर के लिए, या फिर मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए, या फिर किसी और क्वेरी के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं अगर ओरली बोलूँ
9970999985। दोबारा मैं बोलता हूँ 9970999985। ये छोटा सा एरिया तो बड़ा खूबसूरत है। अमोल पाटिल, रोज गार्डन रिजॉर्ट मैनेजर। आइए आपको किचन बताता हूँ। ये किचन है, एम्प्टी किचन, रेंट पे देते अपन रिजॉर्ट के साथ। यहाँ पे खाना बनाया जाता। यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, धोने के लिए ये जगह यूज की जाती है। ये स्टोर रूम है किचन का, आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वो हिसाब से स्टोर रूम। ये तीनों वॉशरूम्स है, जो बंदे यहाँ पे खाना बनाएंगे उनके लिए ये तीनों वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आइए आपको डाइनिंग बताता हूँ। ये डाइनिंग है, एट ए टाइम यहाँ पे 50 लोग खाना खा सकते हैं। ये पूरे टेबल्स चेयर्स फोर साइड में अरेंज किया गया है। ये दो वॉशरूम बनाए डाइनिंग के लिए, ये डाइनिंग वॉशरूम यूज कर सकते हैं डाइनिंग के लिए। ये बकेट बनाया है, आप यहाँ पे बना के किचन में से यहाँ पे रख दिए, सर घर का काम यहाँ पे रख दिए, सब खुद सेल्फ सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें रखी जा सकती है, अगर मटेरियल ज़्यादा है तो यहाँ पे यू यूज कर सकते हैं वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए, डाइनिंग के लिए। दैट्स इट। ऊपर कॉर्पोरेट हॉल आपको बता दो। आइए कॉर्पोरेट हॉल, जो कंपनी की मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस उसके लिए यूज किया जा सकता है। ये पूरा ग्लास का बना है, इसको ग्लास हाउस भी कहते हैं। बाहर का व्यू मिलने के लिए ये पूरा ग्लास का बनाया है। बाहर का व्यू बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल। इसकी कैपेसिटी लगभग 100 लोगों की कैपेसिटी है। आप यहाँ पे मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेट लेवल की जो भी चीज़ है प्रेजेंटेशन सब हो सकता है, वो हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। और इन चेयर्स की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है, चेयर कंपनी के हिसाब से वो अरेंज कर लेते हैं, जैसे वो चाहे वैसे अरेंज कर सकते, वो चाहे वैसे अरेंज कर सकते ले सकते। ये हमने हमारे हिसाब से बनाया अभी। ये जो बनाया गया है हिल व्यू, जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है इसका व्यू बड़ा प्यारा नज़र आता है। जो भी आपके टेंशन डिप्रेशन जाने के लिए या इसी माहौल के हिसाब से ये कांच फिट किया गया है उसके लिए। फिर ये वॉशरूम दिया गया है यहाँ पे सेपरेट, ये कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए। यहाँ का भी व्यू बड़ा प्यारा है, बाहर बालकनी है आप देख सकते हो, छोटी सी बालकनी बनाई है यहाँ पे। हाँ, और वो दौलताबाद का घाट है, और ये दौलताबाद का घाट है यहाँ पे से। यहाँ से आपको दौलताबाद का फोर्ट नजर आता है। वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के लिए ओपनेबल विंडो बनाई गई है। जी, बंद विंडो का व्यू बहुत प्यारा है। आइए आपको ये जो रोमन स्ट्रक्चर में बनाया गया कंसेप्ट है बिल्डिंग, जो मंगल
जो भी कार्य कार्य होते हैं अपने, उसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बर्थडे, मंगनी, हल्दी, ये सब चीज़ों के लिए उसका यूज़ किया जाता है। छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए, छोटे मोटे जितने भी प्रोग्राम्स है वो वहाँ पे अपन किए जा सकते हैं। ये है अपना 62 KV का जनसेट, जो यहाँ पे लाइट अगर जाती है तो वो अपन यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपन रेंट से अवेलेबल करके दे सकते हैं। इसका रेंट भी लगभग 3,000 रुपये पर आवर के हिसाब से देते हैं, जो मार्केट रेट से काफ़ी कम है। वो भी एक बेनिफिट दिया है अपन ने यहाँ पे रिजॉर्ट के तौर पर। जी, अगर लाइट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तुरंत इसे तो कोई प्रॉब्लम जनरेटर को ऑन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस आए लाइट की वजह से, ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर लाइट जाती है तो आपके पास सोलर सिस्टम भी है, जो एक डेढ़ घंटा चलता है उसके ऊपर। हर एक रूम में एक फैन, एक लाइट सोलर बैकअप पे चलता है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर लाइट चाहिए कस्टमर को, तो ये अपन रेंट से 3,000 रुपये के हिसाब से जनसेट भी अवेलेबल करके देते हैं। यहाँ पे कस्टमर के लिए अपन ने फ्रिज और फ्रीज़र दोनों की सुविधा रखी है। अगर कस्टमर कोई मटेरियल लाता है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो स्टोर करने के लिए उनके अपन फ्रिज और फ्रीज़र अवेलेबल करके दे सकते हैं। और दो छोटे छोटे फ्रिज ब्लॉक है और ब्लॉक बी में भी है। बेडरूम्स में भी फ्रीज़र रखे हैं अपन ने एक छोटे छोटे, लेकिन अगर ज़्यादा पैमाने पर अगर कस्टमर उनकी डिमांड है कि फ्रीज़र चाहिए या फ्रिज चाहिए, तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। जी, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट है, ये रोमन कंसेप्ट है टोटल। एक्चुअली इसका रोमन में बेल्देवेर नाम दिया जाता है, जो अपन बर्थडे पार्टी, छोटी मोटी कोई भी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, मंगनी हो, रिसेप्शन हो, तो ये यूज़ करते हैं अपन उसके लिए। और सजाने के बाद बहुत बड़ा प्यारा लुक आता है इसका। अगर आप देखेंगे पूरा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट की लाइटिंग ही ये सिचुएशन में की है कि आपको अदर डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं गिरती यहाँ पे। जी हाँ, ये अंडर में पूरी LED लगाए हुए, स्टेप्स में पूरी LED है। आप देखते हो स्विमिंग के पास जो पोल्स है उसके नीचे भी पूरा लाइटिंग से सजाया गया है, जो नाइट में बड़ा प्यारा व्यू आता है उसका। जी, और इसमें ऊपर है, ऊपर है ना इसमें? हाँ, इसमें भी पूरा लाइट फिटिंग किया हुआ है, इसमें पूरा ऊपर आप अगर रात में देखेंगे। जी हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे टाइम अपने प्री वेड शूट, मूवी की शूटिंग, ये लोकेशन यानी आउट ऑफ नागपुर, मुंबई नगर, यहाँ से प्री वेड शूट के लिए कस्टमर अपने पास आते। जी, ऐसी व्यू और ऐसा लोकेशन लगभग शायद ही किसी ने महाराष्ट्र में देखा हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं या इंडिया में कर रहे हैं, इतना प्यारा लोकेशन है। जी जी, इसे बनाया ही ऐसे गया है जैसे रोमन एम्पायर का फीलिंग आता है। फीलिंग आता है एक राजमहल का फीलिंग आता है यहाँ पे। जी हाँ, आप जी अगर एंट्री मारेंगे, जब आप देखेंगे ये नज़ारा, एक महल के टाइप उसका बनाया गया है रोमन। जी, और एक गाइज मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है टावर है क्या है पता नहीं, पाटिल साहब ने मुझे करेक्ट किया, मुझे लगा था कि ये इजिप्ट का कोई यादगार है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसकी असल जो डिटेल है, जहाँ तक कि ये जानते हैं, ये दुबई से कुछ लिया गया है। और बाकी इसकी डिटेल ये कहते हैं कि इसकी डिटेल जो किस कंसेप्ट पर ये है और ये असल में है क्या, इसकी डिटेल इनके बॉस ही बता सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आज़ाद इंटरप्राइजेस। ये था रोज़ गार्डन रिसोर्ट, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड बाय।